जो सत्संग करने वाले लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, उनका साथ कर लीजिए। उनका साथ करेंगे तो निश्चित रूप से संसार सागर से पार हो जाएंगे। जहर जो होता है, विष जो होता है, वो सीधा सीधा कोई खा ले तो मर जाएगा। जहर खाने से मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसी जहर का शोधन करके वैद्य दवाई में जब देता है तो बड़ा रोग दमनकारी होता है। रोग शमन करने की शक्ति उस जहर में होती है। इसी तरह से जो भगवान के भक्त हैं, जो सज्जनों के भक्त हैं, जो प्राणी मात्र में परमात्मा को देखते हैं, जिनकी समदृष्टि है, पंडिताः समदर्शिनाः, प्राणी मात्र में परमात्म भाव जिनका बन गया है, उनकी आप संगति करेंगे तो आप भी संसार सागर से पार हो जाएंगे। जैसे नाव में रखा हुआ पत्थर नदी पार कर लिया करता है। इसी तरह से मनुष्य भी हो क्या गया है, मनुष्य में अल्पज्ञता आ गई है। सर्वज्ञता चाहिए, सर्वज्ञ को पकड़ लो, पार होना है तो सर्वज्ञ को जब आप पकड़ लेंगे तो आप भी सर्वज्ञ हो जाएंगे। कोयला में आग नहीं लगी है, कोयला पड़ा हुआ है, काला हो रहा है, किसी काम का नहीं है, जलती हुई सिगड़ी में डाल दो कोयले को, धधकने लगेगा, ये जीव भी कोयला हो गया है। ईश्वर से अलग होने के कारण ये कोयला हो गया है, इसमें जीव भाव आ गया है, अल्पज्ञता आ गई है, अज्ञान आ गया है, संसारित्व आ गया है, मोह ममता आ गई है, यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है, यही करता रहता है। इस जीव को ईश्वर के साथ जोड़ दो, या जो ईश्वर से जुड़ गए हैं उनके साथ जोड़ दो, जलती हुई लकड़ी में बिना जलने वाली लकड़ी का संयोग कर दो, दोनों लकड़ी जलने लगेंगी, दोनों धधकने लगेंगी। कितना सरल है।